आपां दे देश मैं नवां उडारी। जल्दी चलो, ये रखो। अरमान कहाँ? हॉस्पिटल। की हुआ अरमान? एक्सीडेंट हुआ, जल्दी चलो। एक्सीडेंट हुआ क्या? वो किसका एक्सीडेंट हुआ है? आसमान। एक्सीडेंट किसका? रणवीर विजय का एक्सीडेंट हुआ है। रणवीर विजय का एक्सीडेंट? कहाँ? कैसे हो गया अरमान? आसमान हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी चलो चलो। रणविजय हॉस्पिटल में उसका एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज मुझे उससे मिलने जाना है। अरमान और आसमा गए हैं ना, इसलिए तुझे जाने की जरूरत नहीं है, तू कहीं नहीं जाएगी बस। क्यों नहीं जा सकती? ओ शर्म लिहाज बेच के खा गई है क्या तू? घर की इज्जत को लात मारकर किस रिश्ते से वहाँ मिलने जा रही है तू? नहीं जाएगी तू, आई गल समझ? नहीं बेबे, नहीं, मेरी बात सुनिए, मुझे बस उसे एक बार देखना है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि बस उसे मैं दूर से देखूंगी, उससे बात तक नहीं करूंगी, प्लीज एक बार जाने दीजिए ना। एक बार कहता ना, नहीं जाएगी तू। और तू चाहती क्या है? इस घर में जो तमाशा चल रहा है उसे सारी दुनिया देखे। बे रणविजय हॉस्पिटल में, ये बात आप लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। ऐसे टाइम पे तो दुश्मन भी पीछे नहीं हटते, कम से कम इंसानियत के नाते मुझे जाने दीजिए बेबे, प्लीज बेबे, प्लीज। मम्मी जी आप कहिए ना, आप कहिए ना सबसे कि बस मुझे एक बार मिलने दे, प्लीज बोलिए ना बेबी से, बोलिए। कुछ नहीं होगा उसे, आ जाएगा वो वापस। और अगर नहीं आया तो, रब ना करे अगर उसे कुछ भी हो गया तो। दाविया, आपको पता है उसकी इस हालत के जिम्मेदार ना आप सब हैं। जरा भी अंदाजा है आप लोगों को कि क्या बीत रही थी उस पे, कितना परेशान था वो, मेरा फोन तक नहीं उठाया उसने, किसी से बात तक नहीं कर रहा था। आप लोगों को उससे क्या,